हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम अजय सिंह। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल पर पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ हमें तब इस्तेमाल में आती है जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम अगर हमारे सर हमसे कहें कि ये जो इमेज है, जो आपका पेपर है, इसे आप पीडीएफ में भेजिए और डिलीट मत करिएगा, तो कुछ लोग सोचते हैं भाई पीडीएफ क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं और पीडीएफ होता क्या है। सबसे पहले आप जैसे आप अपनी गैलरी को खोल लेंगे। अब जैसे मेरा ये वाला पेपर है, ये पेपर है मेरा, ठीक है। अब आपके सर कहें कि हम इमेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें पीडीएफ बना के भेजिए, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में आ गया कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अब हम मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनरेट पीडीएफ और पीपीटी। पीडीएफ तब बनाई जाती है जब उसे हमेशा के लिए सेव करना हो, ठीक है। और पीपीटी तब बनाई जाती है जब मास्टर आपकी क्लास ले रहे हो, ठीक है। और हम यहाँ पर जनरेट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे कहेगा कि आप एडजस्ट कर लीजिए। हम एडजस्ट करेंगे, ओके, इसे एडिट करेंगे। जैसे हमें लग रहा है ये इमेज ठीक है, तो हम इसे देखिए, हम इसे यहाँ से ऐसे कर देंगे सेव। और यहाँ पर ये देखिए पीडीएफ गैलरी, पीडीएफ आपकी बन गई है। बस आपको सेव करना है, ये आपके फ़ोन स्टोरेज में नहीं, आपके ड्राइव में सेव होगी, गूगल ड्राइव में, ओके। व्यू पर देखेंगे, ये देखिए आपकी पीडीएफ बन गई है। ये जो पीडीएफ है, और अब आपकी गूगल ड्राइव में सेव हुई है, ना कि आपकी गैलरी में, ठीक है। अब आप यहाँ से इसे सेंड फाइल पर क्लिक करके, व्हाट्सएप पर क्लिक करके आपको अपने सर को भेजनी है, आप सर को भेज सकते हैं, मैडम को भेजनी है, मैडम को भेज सकते हैं। तो बस यही था यह इस वीडियो में। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर, और लाइक भी करना वीडियो को।